जो देख रहे हैं MNS न्यूज पर, देखते आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति तुम्हारे जेब में है क्या? बीजेपी नेता के राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर शिवसेना। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच शिवसेना ने शनिवार को अपने मुख्य पत्र सामना में संपादकीय में फडणवीस सरकार को विदा होती सरकार बताते हुए लिखा, राष्ट्रपति तुम्हारे जेब में है क्या। दरअसल बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि तय समय में सरकार का गठन नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। सामना का संपादकीय ने यह महाराष्ट्र विधानसभा में मिले जनादेश का अपमान है कहा। यह धमकी नहीं थी, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन बयान पर बीजेपी नेता मुनगंटीवार। महाराष्ट्र में मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अपने अगर तय समय में सरकार का गठन नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा बयान पर कहा है कि यह धमकी नहीं थी। मुनगंटीवार ने कहा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, अगर शिक्षक छात्रों के सवालों का उत्तर दे तो उसे धमकी नहीं कहते। पवार, मेरे दोस्त, सरकार बनाने के लिए मैं करूंगा बात। रामदास आठवले, महाराष्ट्र की रामदास आठवले ने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक संकट बनता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन पर जारी रार के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना सरकार बनाने में फेल होती है तो वह NCP को साथ लेने के लिए शरद पवार से बात करेंगे। रामदास आठवले ने आदित्य ठाकरे को लेकर कहा कि उनके पास राज्य चलाने का अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी मांगों पर डटे नहीं रहना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर बीजेपी और शिवसेना की सरकार नहीं बनती है तो शरद पवार से सरकार गठन को लेकर मैं बात करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।